अब हम खीर सर्व करेंगे। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब? कल्पन्स किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लौकी की खीर। आज महाशिवरात्रि है तो मैं स्पेशल महाशिवरात्रि के लिए लौकी की खीर बना रही हूँ। वो भी मैं वरी राइस डाल के खीर बना रही हूँ। वरी राइस उपवास में भी हम खा सकते हैं। लौकी को इंग्लिश में बॉटल गार्ड बोलते हैं। लौकी की खीर बनाने के लिए कोई त्योहार की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे वो खीर बना सकती हैं। उसका जूस भी हम खाली पेट सुबह ले सकते हैं, वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो खीर बनाने के लिए मैंने लिया है गरम दूध, लिया है शक्कर, ली है वरी राइस, मैं स्पेशल वरी राइस डाल के वो खीर बना रहे हैं। काजू लिया है, रेजिन्स लिए हैं, देसी घी लिया है और इलायची पाउडर। मैंने एक लौकी ली है, उसका मैं आधा करके मैं आधा ही ले लूंगी। उसको हम पील करेंगे। कट करेंगे। उसका अभी सीड्स निकालना है। लौकी मैंने कद्दूकस करके ली है। अब हम गैस चालू करेंगे, पैन चढ़ाया है। मैं देसी घी डाल रही हूँ 3 चम्मच। बाद में चाहिए तो हम ऐड करेंगे। हम थोड़ा सॉटे करके लेंगे। जो हमने लौकी कद्दूकस की है वो हम थोड़ा सॉटे करेंगे। गैस थोड़ी धीमी करेंगे, उसमें बीज नहीं होना चाहिए। मैंने सब बीज निकाले हैं। थोड़ा घी मैं और ऐड कर रही हूँ। बीच बीच हम गैस मोटी भी कर सकते हैं। अगर आपको बीच में बीज मिला तो आप निकाल सकते हैं। अभी ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो इसमें हम गरम पानी ऐड करेंगे। तीन कटोरी मैंने पानी इसमें ऐड किया है। उसको अभी पकने देंगे, गैस थोड़ी तेज करेंगे। मैं ये खीर आज दूध के साथ बना रही हूँ। आप कोकोनट मिल्क के साथ भी बना सकते हैं। लौकी के हम बहुत प्रकार के डिश भी बना सकते हैं। लौकी के हम मोदक कर सकते हैं, उसके वड़िया बना सकते हैं, उसका हलवा भी बना सकते हैं। और ये लौकी है ना, बहुत हेल्दी है। अब एक उबाल आ चुका है तो हम उसमें वरी ऐड करेंगे। वरी राइस हम ऐड करेंगे। मैंने ये सोख के करके रखा था तो हम वो ऐड करेंगे। आज हम ये वरी राइस के साथ बना रहे हैं। रेजिन्स ऐड करेंगे, काजू ऐड करेंगे और थोड़ा उसको पकने देंगे। अभी ये सब पक चुका है तो उसमें हम क्या करेंगे, शक्कर डालेंगे। मैंने शक्कर लिया है, आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये शक्कर मैंने क्यों लिया है, मैं दूध से बना रही हूँ इसलिए मैंने शक्कर लिया है। अगर आप कोकोनट मिल्क डालकर बनाते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैगरी ऐड कर सकते हैं। मिल्क ऐड करेंगे, दूध मैंने गरम करके लिया था। आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। जब खीर ठंडी हो जाएगी तब आप उसमें थोड़ा नमक ऐड कर सकते हैं। मैंने नमक नहीं डाला है। नमक डालने से दूध फटने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम उसको एक
उबाल आने देंगे। इस स्टेज में हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। ये लौकी की खीर आप अपने घर में बना सकते हैं और अपने फैमिली को खिला सकते हैं। बच्चे भी उसको अच्छी तरह से खाएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ही खीर बनवायला एकदम सोपी आहे। आपण बनवून आमच्या घरच्यांना खाऊ घालू शकता। ही खीर करपाक एकदम सोपी आसा। तुम्ही ही खीर करून घरातल्यांक तुमच्या घालूंक शकता आणि एकदम पौष्टिक आसा। आज ही हांवें साखरीन केल्या, तुम्ही गोड घालून करू शकता आणि नाल्लाचो रोस पण घालून ही खीर करू शकता। ऑलमोस्ट आमची खीर तयार झाली आसा। आता ती आम्ही सर्व करूया। अभी मैं गैस बंद कर रही हूँ। अभी खीर एकदम तैयार है।